सूर्य के राशि परिवर्तन से खुलेंगे भाग्य। 12 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य। इन राशियों की खुल जाएगी किस्मत। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष में आत्मा का कारक माने जाने वाले सूर्य ग्रह 12 फरवरी को शनि की मकर राशि से निकल करके शनि की ही कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसे कुंभ संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है वो ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सूर्य पूरे साल में सभी 12 राशियों का भ्रमण करते हैं और एक राशि में एक महीना रहते हैं। 12 फरवरी को सूर्य जो है वो शनि की कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं और 14 मार्च तक वो इसी राशि में रहने वाले हैं। लिहाजा सूर्य का ये जो गोचर है वो देश दुनिया के साथ साथ सभी 12 राशियों को भी प्रभावित करेगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी उल्टी चाल नहीं चलते, वक्री अवस्था में नहीं आते। वहीं जो सूर्य है वो कुंडली में आत्मा का कारक होने के साथ साथ हमारे मान सम्मान व अपमान से भी जुड़ा होता है। यानी कुंडली में अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है तो हमें समाज में खूब यश और मान मिलता है, और अगर सूर्य जो है वो कमजोर स्थिति में है तो व्यक्ति को लाइफ में थोड़ी मुसीबतों का सामना करना भी पड़ता है। पिता के लिए भी शुभ नहीं होता, यशमान में कमी रहती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सूर्य जो है वह हमारे जीवन में उच्च पद, मान सम्मान, पुरस्कार और लोकप्रियता के भी कारक माने गए हैं। सूर्य को ज्योतिष में पिता का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य जब शुभ होते हैं तो पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। साथ ही जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होता है उसकी जो वाणी है वो ओजपूर्ण होती है, उसका जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, और ऐसे लोग अपने मान सम्मान और अपने स्वाभिमान के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं तो 12 राशियों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। पहले मेष राशि की बात करते हैं तो सूर्य के जो राशि परिवर्तन है मेष राशि वालों के लिए अच्छी खबरें लेकर के आ रहा है। उनकी मेष राशि वालों की आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और लाभ के भी कई अवसर बनेंगे। जो वृषभ राशि वाले हैं उनका समाज में यश और मान जो है उन्हें मिलेगा। अगर नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन का योग बनेगा, इंक्रीमेंट का योग बनेगा। जो मिथुन राशि वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जो अधूरे पड़े कार्य हैं वो पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में भी प्रभाव बढ़ेगा। जो कर्क राशि वाले हैं उनको पिता की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा और कार्यक्षेत्र में कन्फर्टेशन से, वाद विवाद से बचना होगा। जो सिंह राशि वाले हैं सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, अच्छी खबरें मिलेंगी, प्रमोशन का योग बनेगा, मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वाले जो हैं इनको कोर्ट कचहरी के मामलों में तो सफलता मिलेगी लेकिन थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, उतावलापन दिखाने से बचना होगा। जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए सूर्य का ये जो गोचर है उनकी पर्सनल लाइफ में, निजी संबंधों में थोड़ा असुविधाजनक स्थिति दे सकता है लेकिन प्रमोशन का योग भी बनाएगा और कार्यक्षेत्र में भी आपकी वृद्धि होगी। जो वृश्चिक राशि वाले हैं उन्हें अभी निवेश से यानी इन्वेस्टमेंट से बचना होगा लेकिन आपके लिए यह धन वृद्धि का समय भी हो सकता है। आपने जो अभी तक मेहनत की है उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों को हर स्थान पर जहां भी वो जाएंगे मान सम्मान हासिल होगा, लोकप्रियता में भी इजाफा होगा, लोग आपकी बातों को, आपके विचारों को गंभीरता से सुनेंगे। जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए सूर्य का ये जो गोचर है वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। ऐसी स्थिति में आपको मिले जुले परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कष्ट दे सकती हैं, आपकी आमदनी में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है लेकिन संतान की तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। जो कुंभ राशि वाले हैं उनके जो व्यक्तित्व है उसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी लेकिन अपनी सेहत का कुंभ राशि वालों को भी ख्याल रखना होगा। अंत में आती है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर अच्छी खबर लेकर के आ रहा है। सूर्य देव की कृपा से आपको प्रोफेशन में उन्नति करने के आपके योग बनेंगे, आपकी पदोन्नति होगी, आपका कार्यभार भी बढ़ेगा जिससे आपके अधिकारों में वृद्धि होगी और आप और पावरफुल बनेंगे। तो ये था
कि सूर्य जो 12 फरवरी को कुंभ राशि में जा रहे हैं उसका विभिन्न राशियों पर इंपैक्ट। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।